तो कल की जीत के साथ क्या टाइटंस हो चुके हैं ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई? हैदराबाद टीम की जीत के आखिर क्या है मायने, कितने प्रतिशत चांसेस इनके बढ़े हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, और इस जीत की वजह से आखिर किसको फायदा और किसको हुआ है नुकसान, और क्या कहती है भैया आज के मुकाबले का समीकरण, आज की पॉइंट्स टेबल कैसे बदलेगी आज के मुकाबले के अकॉर्डिंग, और भैया आज की अपडेटेड टेबल को ध्यान में रख के आपकी फेवरेट टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के हैं कितने प्रतिशत चांसेस, सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे सिनेरियोस, क्राइटेरियाज और बहुत सारे बेहतरीन पॉइंट्स आपके सामने रख के जाऊंगा इस एक एनालिसिस में, आप सब कुछ पाएंगे। तो ऐसे में फटाफट से आप वीडियो को लाइक करके आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए इतनी ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, वीडियो पसंद आए, काम पसंद आए तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऑब्वियसली एक नंबर भी तो बढ़ता ही है, उसको मतलब उसका भी इंपैक्ट तो होता ही है निश्चित तौर पर। लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहूंगा। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे सब्सक्राइब करना, चाहे लाइक करना, चाहे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना, इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि देखिए मैच टाइम्स पे ना वहां पे बहुत बातें होती है और बहुत मजा आता है यार। तो वहां पे आप जुड़े रहेंगे ना तो अपना बहुत अच्छा कनेक्शन फील होगा। और इसके अलावा आप देखिए जो अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वहीं पर आते हैं। कल मैंने बताया ओबेड में जो रूट का डेब्यू तो हमने करा ही दिया, बोला ही था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भैया जो रूट को डेब्यू करना चाहिए, दूसरे दिन ही वो डेब्यू कर गए। उसी तरीके से आज जब हम बात करते हैं ओबेड में की, कल ही मैंने बता दिया था दोपहर में कि ओबेड में फिट है, आज खेलेंगे, खेल रहे थे रजवाड़ों के लिए। ये सारी जानकारियां एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम पर आती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भैया अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर सबसे पहले क्रिकेट की अपडेट्स, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारियां चाहिए तो हमारा टेलीग्राम एकमात्र आपका डेस्टिनेशन है। और ऐसे में चलिए हम शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द प्रो पॉइंट। और आज मेरे पास है तीन बहुत अहम प्रो पॉइंट। नंबर एक है दोस्तों, गुजरात टाइटंस टीम आवा दे जीत के साथ, रोर मचावा दे, अनऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं आईपीएल 2023 प्लेऑफ्स के लिए। और जब मैं कह रहा हूं अनऑफिशियली क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको समझाता हूं। जी हां दोस्तों, 99% से भी ज्यादा चांसेस है अब इनके टॉप चार में रहने के। लेकिन जो सिर्फ एक सिनेरियो मुझे नजर आता है जहां पर शायद, वो भी शायद है कि ये नीचे चले जाएं टॉप चार के नीचे, वो ये है कि पंजाब किंग्स, आरसीबी, एलएसजी और सीएसके अपने आगे आने वाले सारे के सारे मुकाबले जीतें और गुजरात टाइटंस यहां से अपने सारे मुकाबले बड़े मार्जिन से हार जाए, जो कि लगभग मुझे इंपॉसिबल सिनेरियो ही नजर आता है। क्योंकि वही बात है, इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी और इतनी चीजें अलाइन नहीं होती। गुजरात टाइटंस भले अपने सारे हार जाए, पहली बात तो वो हारेंगे नहीं मैं गारंटी ले रहा हूं, लेकिन हार भी गए तो फिर अब पंजाब, आरसीबी, एलएसजी, सीएसके अपने सारे जीते, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए भैया वो ऑफिशियली आप मान लीजिए क्वालिफाई है, बस मैं अनऑफिशियल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी वो क्यों उनके सामने लिखा नहीं है, बस उतनी सी ही बात है। नहीं तो गुजरात टाइटंस बन चुके हैं प्लेऑफ्स की पहली क्वालिफाइड टीम। और उसके बाद दोस्तों नंबर दो पर आता है प्रो पॉइंट कि सभी टीमों को बेनिफिट मिला है कल के मुकाबलों के रिजल्ट्स की वजह से, सिर्फ लखनऊ और रॉयल्स को छोड़ के, यानी कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ को छोड़ के सबकी सभी टीमों को कल यहां पर फायदा देखने को मिला है। क्यों ऐसा हुआ और कितना फायदा देखने को मिला, कितने प्रतिशत उनके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़े हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रो पॉइंट दोस्तों है आज के मुकाबले को लेकर। आज अगर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मुकाबला जीतती है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन चांसेस सबके इंप्रूव करेगा, सिर्फ पंजाब किंग्स को छोड़कर। सेम वैसे जैसे कल के मुकाबलों में हुआ था कि जो टीमें हारी उनके अलावा सबके चांसेस इंप्रूव ही हुए हैं। कारण आप लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सब टीमें मिडिल में फंसी हुई है ना, तो जो हार रहा है नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, और क्योंकि ऊपर वाले ऑलरेडी जीत रहे हैं गुजरात टाइटंस सीएसके, तो फिर उनको तो ऑलरेडी फायदा हो ही रहा है ना, तो इसीलिए सबको फायदा हो रहा है, सिर्फ जो हार रहे हैं। अब वही सेम रूल आज भी अप्लाई होगा अगर केकेआर आज जो है जीतती है। लेकिन चलिए सब कुछ बताएंगे, अभी तो बहुत कुछ समझाएंगे, पहले थोड़ा सा हमारी प्यारी पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, एक नजर निहार लेते हैं कि आखिर क्या कुछ यहां पर पॉइंट्स टेबल पर बदला है परिणाम की वजह से, जो कल के परिणाम आए। तो अब देखिए गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर 16 पॉइंट्स के साथ प्लस 0.951 के नेट रन रेट के साथ दे हैव ऑफिशियली क्वालिफाइड, मान लो मेरी बात, क्वालिफाई कर चुके हैं गुजरात टाइटंस, 100% श्योर शॉट है। और उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स टीम, अब ये देखिए नंबर दो पर है एज इट इज है, लखनऊ कल हार गए तो नंबर तीन पर बरकरार है 11 अंकों के साथ, अभी भी वही है, नेट रन रेट भी इनका थोड़ा सा खराब हुआ है, और रजवाड़े भी भैया कल हार गए, कहीं इधर उधर गए नहीं है, पर नेट रन रेट इनका भी खराब हुआ है, लेकिन क्लोज मैच था तो इतना खराब नहीं हुआ है कि नीचे चले जाएं, क्योंकि पॉइंट्स तो इनके आरसीबी, एमआई, पंजाब किंग्स के बराबर ही है। अगर आज पंजाब किंग्स जीतती है तो भैया बड़ी छलांग मारेंगे। एंड अब हैदराबाद
हैदराबाद टीम जीती है तो फिर से यहां पर डीसी चली गई नंबर 10 पर, हैदराबाद आ गई नंबर 9 पर, क्योंकि उनका नेट रन रेट ज्यादा बेहतर है दिल्ली कैपिटल्स की तुलना में। नंबर 8 एक्चुअली 8 अंकों के साथ नंबर 9 पर आ चुके हैं -0.472 के नेट रन रेट के साथ, और 10 की 10 टीमें अभी भी फुल एंड फुल्ली एक्टिव हैं इस साल के आईपीएल 2023 प्लेऑफ्स के क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी यहां से एलिमिनेट अब तक नहीं हुआ है। और ऐसे में दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाफट से यहां पर गेन एंड गॉन फैक्टर के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आपको गेन करना है तगड़ा इस पूरे आईपीएल में, तो आपको चाहिए टॉप क्वालिटी प्रेडिक्शंस, जैसे कि टॉस प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन, सीजन प्रेडिक्शन। अब ये सब कुछ दे रहे हैं द स्पोर्ट्स प्रिंस। द स्पोर्ट्स प्रिंस भारत की वन ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी, जिनके पास वेल नोन एनालिस्ट हैं जो बहुत अच्छे से मैच को रिसर्च करते हैं। मैच पर यहाँ पर सारे क्राइटेरियाज, पिच कंडीशंस, प्लेयर्स, बैटल्स, सब कुछ देखते हैं और फिर प्रिडिक्शंस करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कुछ आपको करना नहीं है, कहीं कुछ जाके तिकड़म उकड़म नहीं करनी, आपको सिर्फ इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, सिंपली इनके व्हाट्सएप पर जाइए फटाफट से, नंबर ये नोट करो, वीडियो को पॉज करो, जाइए फटाफट से और इनको मैसेज करो, भाई आज के मुकाबले में क्या होगा, केकेआर और हैदराबाद को, हैदराबाद नहीं सॉरी केकेआर एंड पंजाब कौन जीत रहा है, केकेआर घर पर खेल रही है, क्या जीतेगी क्या जीतेगी या हारेगी, आज सब कुछ इनसे पूछिए, ये आपको सब कुछ बताएंगे। तो ऐसे में दोस्तों फटाफट से जाएं, सारी प्रेडिक्शंस इनसे लेकर आएं और हम चलिए बात करते हैं गेन एंड गॉन फैक्टर के बारे में। आज के मुकाबले में किसको गेन किसको गॉन, भैया थोड़ा सा गेन, फायदा 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 ले आओ हुआ है ऑब्वियसली, मैंने बताया अप टू प्रो पॉइंट में सबको हुआ है, सिर्फ जो हारे हैं उनको छोड़कर। लेकिन सबसे ज्यादा किसको हुआ है वो है गुजरात टाइटंस टीम, 2 अंक इनके पास जुड़े हैं। इनके प्लेऑफ्स के चांसेस चलिए मैं आपको बता देता हूं, 100% तो नहीं है पर 99.92% है, which is actually equals to 100%, तो मैं रायता नहीं फैलाना चाहता आप लोगों को confuse करने के लिए, मान लो 100%, जी हाँ, playoff chances, Gujarat Titans team have officially qualified for the playoffs, मेरी तरफ से आप ले लो, अभी क्यों जो है वैसे points table पर बाद में लिखा जाएगा, लेकिन इनका net run rate है +0.2 का जो इजाफा हुआ, actually net run rate में इनके 0.2 से फायदा देखने को मिला है। हैदराबाद टीम अब कल ये भी जीते हैं, points इनको 2 अंक मिल गए हैं, इनके playoff chances जो है 3% से ही improve हुए, क्योंकि देखिए पहली बात तो आप close मुकाबला हारे मतलब जीते एक समय पर तो हार ही गए थे, एंड उसके अलावा आपके आने वाले अपोनेंट्स भी अभी टफ हैं और अभी आप बहुत नीचे हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे सिमुलेशंस पे आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए इनको सिर्फ 3% का ही फायदा हुआ है। और तो और इनके नेट रन रेट में भी +0.07 का ही इजाफा हुआ है, इसलिए भी इनके चांसेस थोड़े से कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर नेट रन रेट भी आपने बहुत बेहतर इंप्रोवाइज किया होता तो क्या पता उसका भी एडवांटेज आपको देखने को मिलता। खैर इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से क्लियर कर दूं कि एलएसजी आरआर को छोड़ के सबको फायदा हुआ है, लेकिन मैं गेन फैक्टर में सारे नाम नहीं रख रहा हूं, आप अपने हिसाब से सारी टीम कंसीडर करिए। और उसके बाद हम बात करें गॉन फैक्टर के बारे में, जो थोड़ा सा नीचे गए हैं, डूब गए हैं, अब उसमें सबसे बड़ा हाथ जो मतलब छूटा है वो लखनऊ का है, बिल्कुल मोमेंटम इनका डीरेल हो चुका है दोस्तों। ये लोग अभी नंबर 3 नंबर 4 पर हैं, रजवाड़े नंबर 4 पे, एलएसजी नंबर 3 पर, कब तक रहेंगे ये हमें नहीं पता। अगर आज पंजाब जीत गई तो सब नीचे चले आएंगे, धक्के से नीचे आएंगे। अब एलएसजी टीम के प्लेऑफ चांसेस -11% से दोस्तों यहां पर डैमेज हुए हैं और इनका नेट रन रेट भी -0.35 का नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि भारी रनों से मुकाबला हार गए थे, चेज में बिल्कुल फुस हो गई थी टीम। वहीं पर रॉयल्स की बात करें तो इनके भी प्लेऑफ चांसेस -16% से यहां पर डिक्रीज हुए हैं और इनके नेट रन रेट में, हालांकि क्योंकि क्लोज मैच लास्ट बॉल पे आ रहे हैं तो नेट रन रेट में कोई फर्क ज्यादा नहीं आया, -0.06 का फर्क है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। तो बात सिर्फ यही है दोस्तों कि इफेक्ट तो दोनों टीमें हुई हैं और अच्छी खासी हुई हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है, इन दोनों में से किसी के पास मोमेंटम नहीं है। अगर ये सिर्फ मैच हारे होते कि कोई बात नहीं है नेक्स्ट जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात थी, ये सब लगातार मैच हार रहे हैं, मोमेंटम एकदम इनका खत्म हो रखा है और ये इस टीम के लिए, इन दोनों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, स्पेशली अगर आज पंजाब जीत गई ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आएंगे। खैर ऐसे में दोस्तों चलिए इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, पॉइंट्स टेबल देख लिया, गेन एंड गॉन फैक्टर देख लिया, अब लगे हाथ बात कर लेते हैं यहां पर पॉइंट्स के पार्ट के बारे में कि सभी पॉइंट्स का मैं आपको थोड़ा सा पार्ट समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए पढ़िए यहां पर कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन सिनेरियो वर्क करेगा और क्वालिफिकेशन चांसेस क्या हैं आरआर और हैदराबाद के मुकाबले के बाद सभी टीमों के। लेट्स स्टार्ट विद द टेबल टॉपर्स, गुजरात टाइटंस। जी हाँ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इनके चांसेस 99.92 हैं, मैं 100% देकर चल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, दिस टीम हैज अनऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, अब इनके बारे में हम टॉप चार को लेकर नहीं ही डिस्कस किया करेंगे, ये क्वालिफाइड है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर चेन्नई को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि टॉप 2 में ये थे और क्योंकि अब नंबर 3 और नंबर 4 की टीमें यहां पर मुकाबला हारी, लखनऊ हार गई यहां पर राजस्थान, तो इनको और फायदा हुआ, 81% चांसेस इनके टॉप 4 में रहने के रहे हैं और मेरी समझ से अगर ये नेक्स्ट मैचेस जीते तो टॉप 2 में भी जगह बनाएंगे।
है। वहीं पर नंबर तीन पर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इनके चांसेस इस वक्त करेंटली स्टैंड करते हैं 55% पे, विच इज एक्चुअली ठीक ठाक 50% के ऊपर, पर डैमेज बहुत हुआ है और आगे आने वाले मैचेस लगातार जीतने पड़ेंगे अगर इन्हें कुछ बड़ा करना है। वहीं पर दोस्तों हम बात करें यहां पर आरसीबी बैंगलोर की, तो अब पॉइंट्स टेबल पर ये नंबर चार पर नहीं है, पर सरप्राइज सरप्राइज राजस्थान है नंबर चार पे, पर बैंगलोर और पंजाब के चांसेस दोस्तों राजस्थान रॉयल्स से इस वक्त ज्यादा हैं और उसका कारण आप मोमेंटम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। मोमेंटम बिल्कुल डीरेल हो गया है राजस्थान का। अब बैंगलोर के चांसेस इस वक्त दोस्तों 43% है। इनको बड़ा प्रॉफिट हुआ है, आरसीबी टीम को बड़ा प्रॉफिट हुआ है कल राजस्थान और लखनऊ के हारने की वजह से। आप लोग लॉजिकल कारण जानते हो भैया, अगर कोई भी जीतता वो ऊपर चले जाते, ये नीचे आ जाते, पर ऐसा हुआ नहीं तो इनके भी चांसेस एज इट इज स्टैंड किए और क्योंकि वो लोग हारे तो इनके चांसेस बढ़ ही गए। ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, आपको समझ में आ रही होगी। और पंजाब के चांसेस इस वक्त 35% है, आज जीत गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएंगे। आज बड़ा मैच है, सिर्फ पंजाब को ध्यान में रख के उनके लिए आज बहुत बड़ा मैच है। और वहीं पर राजस्थान मतलब केकेआर के लिए तो ऑब्वियसली, एंड देन राजस्थान रॉयल्स भारी नुकसान हुआ है, 31% पर ये टीम आ चुकी है और ये बिल्कुल इनका मोमेंटम डीरेल हो गया है। बड़े यहां पर झटके इस टीम को लग रहे हैं। एंड मुंबई इंडियंस टीम 27% चांसेस इनके हैं, कोलकाता के 12% चांसेस हैं। एक्चुअली आज भी डू और डाई गेम ही है केकेआर टीम का, जीतना कंपलसरी है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस इस वक्त 10% पे स्टैंड करते हैं और हैदराबाद के चांसेस यहां पर 3% से जैसा मैंने बताया बढ़े हैं। तो जहां पर पहले उनके चांसेस दोस्तों लगभग यहां पे 2% थे, वो बढ़ के 5% हो गए हैं। भले पॉइंट्स टेबल पर वो नंबर 9 स्थान पर है, पर दिल्ली के क्वालिफिकेशन चांसेस अभी भी हैदराबाद टीम से ज्यादा है क्योंकि जो दिल्ली का मोमेंटम है वो हैदराबाद से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है और कल भी मैसअप पूरी तरीके से हैदराबाद ने कर ही दिया था। इन सभी पहलुओं को आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये सारी चीजें डिसाइड हुई हैं। और तो और दोस्तों अगर बात करें आज के मुकाबलों के परिणाम के बारे में कि आज के मुकाबले से यहां पर क्या फर्क पड़ेगा पॉइंट्स टेबल पर, तो चलिए मैं समझाता हूं। केकेआर बनाम पंजाब किंग्स दोनों टीमें आमने सामने हैं। अब अगर आज केकेआर टीम जीतती है तो वो डायरेक्टली नंबर 6 पर तो जाएंगे, ये श्योर शॉट है। 5 पर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आखिर आरसीबी से उनके नेट रन रेट का डिफरेंस कितना ज्यादा रहता है। अगर बड़े मार्जिन से आज केकेआर जीती, काफी बड़े मार्जिन से जिसके चांसेस कमी है, पर अगर ऐसा हो गया मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, तो यहां पर वो नंबर 5 पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन नंबर 6 श्योर शॉट होगा अगर आज ये टीम मुकाबला जीतेगी। वहीं पर भैया अगर पंजाब किंग्स आज मुकाबला जीती तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे नंबर 3 स्थान पर। जी हां दोस्तों, आज की जीत पंजाब किंग्स को सीधा टॉप 3 में लाकर खड़ा कर देगी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा कैलकुलेटिवली, मैथमेटिकली, साइकोलॉजिकली, क्योंकि जब अपने आप को वो टॉप 4 में पाएंगे तो कॉन्फिडेंस यहां से लेकर जाएंगे। तो भैया बड़ा मुकाबला है आज, बहुत बड़ा मुकाबला है और आरसीबी लखनऊ राजस्थान मना रहे होंगे कि केकेआर हरा दो मेरे यार, हरा दो पंजाब किंग्स को मेरे यार, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पंजाब जीते। तो भैया मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज मुकाबला जीत कर आएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये जवाब जानना है, मतलब ये तो मैंने सवाल पूछा आप जवाब दे रहे हो, अगर ये जवाब आपको भी जानना है तो 10 स्पोर्ट्स प्रिंस से पूछिए, उनके पास सारे जवाब है कौन जीतेगा आज। फटाफट से जाइए पूछिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, फटाफट से जाके इनको व्हाट्सएप कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।